हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी क्रोशेस। आज हम लोग ग्रैनी स्केयर्स को अटैच करके एक बेड शीट बहुत ही ब्यूटीफुल कैसे बन सकती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये ग्रैनी स्केयर्स हमने कैसे बनाई है, एक बहुत ही सिंपल सा ग्रैनी स्केयर है बस, बट बहुत ही ब्यूटीफुल बेड शीट ये बनती है। ठीक है, ये ग्रैनी स्केयर बनाने के लिए मैंने दो कलर यूज़ किए हैं, वाइट और रेड। ठीक है, सबसे पहले चेन 5, एक सर्कल बन जाएगा फर्स्ट में, और ये फर्स्ट राउंड में हमारे पास हमें 12 डबल क्रोशिया चाहिए। ठीक है, सिक्स, सेवन, और फर्स्ट रो जो हमारी चेन थी उसमें स्प्लिट स्टिच करेंगे इसको। सेकेंड राउंड में हमें यान अपनी बदलनी है, सो रेड वाली यान अटैच करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमारा यहाँ पे चेन 2, और यहीं पे फर्स्ट वाले हमारे डबल क्रोशिया में हमें दोबारा एक डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, उसके बाद चेन 2, हर एक सिंगल डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से, ठीक है, फिर से चेन 2, इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। ये राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके राउंड के बाद भी हमारे पास दो दो डबल क्रोशे की ये 12 क्रोशे बन जाएंगे होंगे। ठीक है, अब स्प्लिट स्टिच यहाँ पे हमें फिर से ये यार्न चेंज करनी है, वाइट लेनी है। यहाँ पे हमें वाइट यार्न अटैच करनी है, ये पीछे से हमने कट नहीं की थी अभी। ठीक है, सो वही यार्न हम दोबारा कर लेंगे अटैच। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया, और हर एक ये जो हमारी चेन 2 थी यहाँ पे हमें 2 और डबल क्रोशिया करना है, दैट मीन्स टोटल 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, चेन 2 और हर किसी में हमें 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1, 2, 3। ठीक है, चेन 2, इसी तरीके से ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, और इस राउंड के बाद भी हमारे पास हर ये जो हमने 3 डबल क्रोशे किए हैं ये 12 होंगे टोटल मेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यार्न फिर से चेंज करनी है, तो स्प्लिट स्टिच करके हम यहाँ पे आएंगे, ये जो हमारी 2 की चेन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से अपनी यार्न का कलर चेंज करेंगे। अगेन चेन 3, और यहाँ पे 2 और डबल क्रोशे
हमें करने हैं। ठीक है, तीन का पेयर हो गया। दोबारा चेन टू, यहाँ पे फिर से तीन डबल क्रोशे, अब इसके बाद दो हमने डबल क्रोशे के, तीन तीन डबल क्रोशे के दो बार करने के बाद थर्ड में भी हमें यही करना है, तीन डबल क्रोशे करने हैं यहाँ पे, एक दो तीन। बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉर्नर हमें बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेन टू करेंगे और इसी में दोबारा तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन। ये हमारे स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर बन गया। अब दोबारा दो बार हमें तीन तीन डबल क्रोशे करने हैं, एक दो तीन, चेन टू, फिर से तीन डबल क्रोशे, एक दो तीन, चेन टू, दो बार हमने तीन तीन डबल क्रोशे कर लिए, चेन टू, और उसके बाद फिर से तीन डबल क्रोशे। ये हमारा सेकंड कॉर्नर बनने जा रहा है। वन टू ये थ्री, ऑलराइट, चेन टू, और इसी में फिर से तीन डबल क्रोशे, टू थ्री, चेन टू। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा सेकंड कॉर्नर भी बन गया। सेम रिपीट करेंगे ये सारी प्रोसेस दोबारा। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर की शेप भी आ गई है इसकी। ठीक है, अभी हमें ग्रैनी स्क्वायर और कितना बड़ा चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में भी हमारा जो ये नेक्स्ट में तीन तीन की तीन डबल क्रोशे के बाद हमारा सेम वही पैटर्न चलेगा कि तीन चेन टू और उसी में दोबारा तीन डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरीके से मैंने दो बार और ये राउंड बढ़ाया है क्योंकि मुझे ग्रैनी स्क्वायर थोड़ा बड़ा चाहिए था। आप छोटा चाहते हैं तो छोटा बना सकते हैं, इससे भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोर ट्रिपल डबल क्रोशे के फोर राउंड के बाद हमारा यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया है। तो नेक्स्ट में फाइव ट्रिपल डबल क्रोशे के फाइव ये लूप्स के बाद हमारा सिक्स में ये कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। और इस ऐसे ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने के बाद हमें ये अटैच एक बेडशीट बनाने के लिए इन्हें अटैच भी करना पड़ेगा। सो मैंने अटैच ये सिंगल क्रोशे ऐसे दोनों को अटैच करके, जैसे कि ये है, ठीक है, इन दोनों को ऐसे अटैच करके सिंगल डबल सिंगल क्रोशे से इन दो दो क्रोशेस को अटैच किया है। ठीक है, और बाद में यार्न नीडल से इन सब थ्रेड्स को अंदर कर देना है। ठीक है, ये मैंने थर्टीन थर्टीन ये क्रोशे की ग्रैनी स्क्वायर्स मैंने एक रो में अटैच किए हैं और थर्टीन रो ही बनाई थी। थर्टीन बाय थर्टीन का मैंने ये किया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने एंड में बीडिंग की है थोड़ी सी, वो चेन फाइव की करने के बाद एक सिंपल सी फ्लेयर, जो भी एक आप चाहे क्रोशे की बीडिंग कर सकते हैं एंड में एक अच्छा सा लुक देने के लिए। अदरवाइज 13x13 की ये ग्रैनी स्क्वायर्स की हम जो बनाते हैं, ठीक है, उससे ये बेड पूरा कवर हमारा हो जाता है।
ठीक है, चाहे 3 इंचेस आपके गद्दे हों चाहे 5 इंचेस गद्दे हों, ठीक है, ये कवर कर लेता है। उसके बाद आपको, बट मैंने थोड़ा सा लुक एनहांस करने के लिए और थोड़ी सी झालर बनाने के लिए, ठीक है, 5 चेन की एक झालर बनाई थी, ठीक है, जो जिसकी मैंने 5 और 6 रोज़ चेन्स की बनाई, और उसके बाद मैंने उसकी बीडिंग करके उसको ख़त्म किया है। ठीक है, इस तरीके से ये बेडशीट मैंने कंप्लीट की है। थैंक यू।